हेलो एवरी वन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब और मैं हूँ आपकी फॉरेंसिक एडिकेटर दीक्षा शर्मा तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो एन ने रिलीज करे हैं जॉब वेकेंसी से रिलेटेड तो डिफ़रेंट डिफरेंट कैम्पसेज में कुछ जॉब वेकेंसीज़ हैं आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स देखेंगे एंड इसके अलावा सैलरी लास्ट डेट ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में तो हमें एन एफ एस यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको किस तरीके से ये पी डी एफ्स मिलेंगी ये भी हम स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताते चलेंगे सो तो अभी हम एन एफ एस यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे है आप आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है और स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे पहुंच जाना है अब यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स के प्लेस पे करियर एट एन देखने को मिलेगा आपको करियर एट एन पे क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा और इस वेब पेज में जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि करियर से रिलेटेड है एन में डिफरेंट करियर प्रस्पेक्टिव से रिलेटेड है वो नोटिफिकेशन आपको इस पर्टिकुलर वेब लिंक पे मिलने वाली है तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं सो सबसे लेटेस्ट अपडेट ऊपर रहती है तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी लिस्ट फॉर दी वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर द एन एफ एस यू डी जी जी आई प्रोजेक्ट एंड एन एफ एस यू डिजिट प्रोजेक्ट ये भी हम डिस्कस करेंगे बट पर आज की वीडियो में हम वेकेंसी पे बात कर रहे हैं और वेकेंसी है टीचिंग स्टाफ की ठीक है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ और ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है कौन से कैंपस में एन एफ एस नगर कैंपस में ठीक है तो हम डिटेल एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं ये जो लिंक फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन फॉर्म है तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको एडवर्टीजमेंट एक्सेस करनी है तो आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है जैसे ही आप डिटेल एडवर्टीज क्लिक करेंगे एडवर्टीजमेंट की पी डाउनलोड हो जाएगी हम इसे जूम कर लेते हैं सो सही से इसे देख सके ठीक है, है अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे एन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें है जो हमारे काम की है तो सबसे पहले इंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचिंग स्टाफ तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट है टीचिंग स्टाफ ये जो नोटिफिकेशन है ट्वेल्थ जून को ही रिलीज हो गई थी बट अभी इसमें टाइम है आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई है क्या यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अकेडमिक स्टाफ पोजिशन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस देखो यहाँ पे इन्होंने खुद तो भी अंडरलाइन कर दिया है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब्स वेकेंसी इन्होंने निकाली है जॉब्स निकाली हैं सो तो अकेडमिक स्टाफ के लिए जॉब्स हैं इन गांधीनगर गुजरात कैंपस फ्रॉम एक्सेप्शनली मोटिवेटेड कैंडिडेट्स हु हैव अ पैशन फॉर रिसर्च और रिसर्च और टीचिंग में अगर आप तो आपका एकेडमिक एक बैकग्राउंड एक अगर बहुत अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड प्रमोट्स एस इंटर डिसिप्लिनरी कल्चर एंड एकेडमिक स्टाफ हु कैन कोलैबोरेट विद एकेडमिक प्रटर्निटी फॉर द यूनिवर्सिटी एंड इंटर डिसप्लिनरी एरियाज ऑफ एंड अलाइड ब्रांचेज ऑफ डिफरेंट साइंस तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दिए हुए हैं स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस ये सारे के सारे ब्रांचेस हैं स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक्स दीज द ब्रांचेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ब्रांचेज मैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ फार्मेसी स्कूल ऑफ लॉ फॉरेंसिक जस्टिस पॉलिसी स्टडीज स्कूल साइंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी स्कूल ऑफ मेडिकोलीगल स्टडीज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं इन डिफरेंट स्कूल्स की तो यहाँ पे आपको क्या करना है अगर अच्छे हो और इंटर डिसिप्लिनरी मैनोर में अगर आपने कंप्लीट करी है या फिर आप में रिसर्च कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अब यहाँ पे देखो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो है पीएचडी इन अप्रोप्रिएट ब्रांच विद फर्स्ट क्लास एट दी प्रोसीडिंग डिग्री और अप्रोप्रिएट ब्रांच विद अ वेरी गुड अकेडमिक रिकॉर्ड एंड थ्रू आउट अगर आप पी एच डी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इन गिवन एरियाज में Given of science, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा इसके इक्वल्ट कोई डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पी एच डी या उसके प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उतनी ही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहे फॉर एनी क्वेरीजैक्ट यूनिवर्सिटी अथॉरिटी वाया मेल इस मेल के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी स्कूल कोर्सेस ये सारे केफिशियल हो जाएंगे ऑल क्वालिफिकेशन मस्ट बी यू जी सी रिकोगनाइज इस चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तो आपके प्रीवियसली कवर्ड जो भी डिग्रीज हैं डिप्लोम हैं वो यू जी सी रिकोगनाइज होनी चाहिए चाहे वो किसी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी से हो डी टू बी यूनिवर्सिटी से हो ऑटोनोमस हो, हो, हो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने एजुकेशन ली है तो वो रिकोगनाइज होनी चाहिए अगर रेकोगनाइज नहीं है तो आपका जो कैंडिडेट है वो कैंसिल हो जाएगा ओके यहाँ पे नंबर ऑफ वेकेंसी हम देख लें School of Forensic Science, total 12 posts. General Chemistry 1, Forensic Chemistry 2, uh, Multimedia Forensics 1, DNA Biotechnology 1, uh, Fingerprint Science, Question 2, Physics and Ballistics 1, Journalism 1, Cyber Forensics 3. Next, we have School of Medical Legal Studies, Toxicology 1, Forensic 4, School of Engineering and uh, Technology, Forensic Nanotechnology 1, Forensic Structural Engineering 1. School of Pharmacy, Pharmaceutical, One, Biotechnology and Environmental Forensics, Two, Pharmacology, One, Novel Drugs Delivery System, or Regulatory Affairs. So, One School of Management Studies, Forensic Accounting, Five, General Management and Enterprise, Two, Statistics and Research Methodology, Three, Data Analytics and Business, Two, Hospital and Healthcare Management, Two, Digital Forensic Cybersecurity, Two, French Language Instructor, One. Next, we have police studies and security studies. So, Homeland Security 2, police sciences, police administration 2, border security and strategies 2. Then, we have School of Law or Forensic Justice and policy Studies. Law KLA 2 vacancies, Criminal Law KLA 2 vacancies, Contractual Law, taught Law KLA 1 vacancy, Legal Method Jurisprudence 1, Computer Application Data Science 2, uh, Statistics Law Research Methodology 1, Contractual family law 1. behavioral forensics forensic psychology, psychology two clinical psychology six neuropsychology two cyber security and digital forensics mathematics one semiconductor security and forensics two cyber security one network security and forensics one uh, security and forensics one back chain one Forens digital forensics one then we have school of open learning is maybe a. वेकेंसी है सो टोटल कुल मिला के एटी अवेलेबल हैं अभी तक केले कैंपस में यही मैंशनड है आप देख लो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैंने ऑलरेडी मैंशन कर दिया है यूजली आपको पी एच डी चाहिए विद गुड अकेडमिक रिकॉर्ड या स्टडीज एम एस सी अगर आपके डिफरेंट डिसिप्लिन में है विथ यूट और एनी अदर एग्जामिनेशन अगर नहीं है तो गुड क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के आपको लोअर सैलरी में रख लिया जाएगा प्लीज़ गो थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन एवरी वन जो भी एलिजिबल है क्या है क्या डिजायरेबल नहीं है ओवरऑल मैंने डिस्कस कर लिया है एंड देर इज नथिंग मच अबाउट दिस ये मैं शेयर ये पी डी एफ में शेयर कर दूंगी या इस पी डी एफ को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो एन एफ एस यू की वेबसाइट पर एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए हमें इसे क्लिक करना पड़ेगा और एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए मैंने बताया भी था कि आपको अगर अप्लाई करना है तो लिंक फॉर करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिखाई देगा इस गूगल फॉर्म को आपको फिल कर देना है जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है देनी है जो भी एप्लीकेशन फीस है वो फीस आपको पे करनी है एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ठीक है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके आपको पता लग जाएगा कि दैट यू हैव टू पे फाइव हंड्रेड रुपीज और किसी भी ऑनलाइन मेथड के थ्रू तो आप फाइव हंड्रेड रुपीज पे कर सकते हैं फॉर दी इवन एप्लीकेशन ओके तो ये पेमेंट इंस्ट्रक्शन है बैंक अकाउंट का नेम आपको मेंशन है बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको मैंशन है आई एफ एस सी कोड ब्रांच ने एवरीथिंग इज केयर काइंडली नोट दैट द ट्रांजेक्शन आई डी पेमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट आर टू बी फिल अप इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है भाई इसमें आपको तो सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी जो आपने पाँच सौ रुपए की ट्रांजेक्शन करी है एन एफ एस यू के लिए ठीक है दैट्स ऑल अबाउट इट एवरी वन जो वेकेंसी थी मैंने डिस्कस करी फ्यू थिंक थिंग्स आर नीडेड टू बी डिस्कस्ड अगेन जो कि मैं किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँ आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है सो डोंट फॉरगेट क्लिक द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर वो एलिजिबल हैं तो और अगर आप पहली बार हमारे चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल क्योंकि आपको फोरेंसिक साइंस सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमारे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे टेक केयर ऑफ योर सेल्स यू गाइज इन टेक केयर बाय बाय